मैं कोफ्ता बिरयानी बना रही हूँ, जिसमें मेरे कोफ्ता के लिए मेरे को चिकन चाहिए, वो है, चावल है जिनको मैं भिगो के रखा हुआ है, इसमें प्याज पड़ेंगे 3 ब्राउन प्याज बनने के लिए और 3 उसका मसाला बनाने के लिए। इन पड़ेगा केरवा वाटर है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, मसाले हैं ये वाले, सौंफ, धनिया, मिर्ची, जीरा, नमक और हल्दी है, इलायची है, लौंग है, स्टार है, फ्लावर है, सिनमन है, ब्लैक चिली है। इन मसालों को अपने ड्राई रोस्ट करना है, तो उसको फिर पाउडर बनाना है। जब मैं चावल बनाऊंगी ना, उसको मैंने पूरा बनाना नहीं है, उसके 2 कनियाँ होनी चाहिए, 1 कनी मैं उसको पानी निकाल, लौंग डालने हैं, इलायची डालनी है, इसमें 3-4-5 इलायची डाल दो, लौंग 4-5 डाल दीजिए, तेज पत्ता डालना है, सिनमन डालना है और काली मिर्च डालनी है, और इसमें जब उबालों के इसमें थोड़ा तेल डालना है और नमक डालना है। अब मैं जो कोफ्ते हैं ना, मैं कोफ्ते बनाने हैं, इसमें मैंने ये सब कुछ डालना है, धनिया डालना है, जीरा डालना है, नमक डालनी है और मिर्ची डालनी है, ये सारा कुछ डाल के कोफ्ते बनाऊँगी। ये देखिए कि मैंने प्याज तो कर दिया, किचन टॉवल में रख दिया, इसको खोल के आप भी खोल के रखिए, बाद में जो इसका तेल होगा वो सारा इसमें अब्जर्व हो जाएगा। टमाटर मैंने 3 लिए थे वो रख दिए, अब मैंने कोफ्ते भी बना दिए, बाकी जो मसाला मैंने आपको दिखाया था ड्राई, उसको मैं ड्राई रोस्ट करके पीस दिया है, ये मसाला ये बिरयानी मसाला है। ये मेरे चावल उबल रहे हैं, इसमें और 5 मिनट लगेंगे तो मैं इनको पानी निकाल दूंगी। इसमें मैंने तेल से सारा मसाला डाला हुआ है, मैंने दूसरी तरफ ग्रेवी के लिए ये बना दिया, प्याज रख दिया है, अब मैं इसमें लहसुन पेस्ट डालने लगी हूँ। अब मैं इसमें मसाले डाल लगी हूँ, वो ये 1/2 टेबल स्पून है ये हल्दी, मिर्ची भी 1.5 टेबल स्पून, नमक के टेस्ट अनुसार। देखिए ये तो हो गया, अब इसमें ये थोड़ा सा पानी डालूंगी कि मसाला मेरा ना बन जाए। इसके बाद में इसमें टमाटर डालूंगी, इसको मैं हाई रखूंगी 2 मिनट, फिर मैं सिम पे रखूंगी, जब ये पूरे सॉफ्ट हो जाएंगे, ऑयल तो सेपरेट हो गया, टमाटर भी फ्राई हो गया अच्छी तरह, अब मैं इसको हाई करके दही डालूंगी। दही को हिलाते रहिए, जितनी देर में उबले नहीं तो ये कड़ल हो जाता है, फिर पूरे दाने दाने लगेंगे आपको, इसको हिलाते रहिए हाई पे। मैं दूध में केरवा वाटर डालती हूँ, मैं ये डाल के फिर लास्ट में डालूंगी इसको, मैं आपको बता रही हूँ कि 1 या 1.5 टेबल स्पून इसमें ये डालिए, फिर इसको मिक्स करके चल रहा है ना, अब मैं इसके बीच में इसको डाल दूँगी कोफ्ते जो बनाए हुए मैंने, कोफ्ते डाल दिए, इसको 2 मिनट के बाद चाहे आप हिलाइए, कोई बात नहीं है, उससे कुछ नहीं होगा, मगर 2 मिनट रहने दीजिए ऐसे, फिर इसके अब मैं इसका पानी पूरा सुखाऊँगी, बस ये देखो इतना ही पानी रहना चाहिए, इसमें दही का जो रखा हुआ है बस इतना रहना चाहिए। इस टाइम में इसमें डालनी है बिरयानी मसाला 1.5 इसको, ये बिरयानी मसाला मैंने इसमें डाल दिया, बस अब राइस डालूंगी, ये थोड़े चावल डाल दीजिए इसके बीच में। नीचे मैंने बताया ना आपको आलू डाले हुए हैं, अब मैं ये डाल रही हूँ, ये देखिए इसमें थोड़ा मैंने ग्रेवी इसीलिए रखी, नीचे वाले चावल बिल्कुल सूख ना जाए, गीले गीले रहने चाहिए थोड़े। इसके बाद इसमें धनिया थोड़ा, ये थोड़ा पुदीना भी डाल दिया इसमें, फिर दोबारा चावल डालिए, इसकी लेयर बनानी है ना हमने, फिर दोबारा चावल डालिए थोड़े, और थोड़ा सा पुदीना डालिए, धनिया थोड़ा डालिए और फिर ये डालिए कोफ्ते। ये देखिए मैंने फिर इसकी लेयर कर दी कोफ्ते और उसका ग्रेवी की, अब मैं फिर ये ऊपर से ये डाल रही हूँ, ये मैंने डाल दिया, अब इसके ऊपर फिर दोबारा धनिया, ये देखिए पुदीना डाल दिया, केवरा वाटर डाला था दूध में, अब मैं वही डाल रही हूँ क्योंकि मैं कलर नहीं डालती, फ्राई किया हुआ वो प्याज डाल रही हूँ उसके ऊपर,
इसका लास्ट आइटम ये है। मैंने गैस पे रख दिया, पहले तो हाई पे रखा क्योंकि जो आलू है नीचे से उनमें पानी भी था और थोड़ा सा पहले वो गर्म, ये वेसल जब गर्म हो जाएगी ना थोड़ी ज़्यादा से, फिर आप इसको सिम कीजिए। अब इसको मैं ढक्कन तो दूंगी, ढक्कन को मैं, अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं ऐसे दम लगाने के लिए, किचन का नेपकिन है ना उसे ऐसे मोल्ड कर दीजिए, ऐसे और ऐसे चारों तरफ से ये इसके ऊपर रख दीजिए, पूरा ये फिट हो जाता। इसके ऊपर कोई हैवी चीज़ रख दीजिए जो ये बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन पहले 10 मिनट के लिए इसे हाई रखिए, फिर सिम पे 15-20 मिनट के लिए रखिए। हाँ जी, मैंने बिरयानी तो बना दी, अब आप इसको टेस्ट कीजिए, जिसके साथ मर्जी आप खाइए। वैसे तो ये खाली भी खाओ तो बड़ी अच्छी लगती है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट लिखिए और बना के ज़रूर मेरे को कमेंट लिखिए, टेस्ट कीजिए ज़रूर।